हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वेंशी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज मैं अति महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को बताने वाली हूँ जो हर सरकारी जॉब में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, सरकारी जॉब में प्रश्न जो भी आते हैं सब ट्रिक ही होते हैं और प्रश्नों के आंसर भी तुरंत मिल जाती हैं। बस हमें ट्रिक लगानी आनी चाहिए। कोई भी एग्जाम हो निकालने के लिए फ्रेंड्स, टाइम की बहुत वैल्यू होती है, तो कम समय में ज़्यादा प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं। हमें लॉन्ग वे से नहीं जाना है, शॉर्ट वे अपनाना है। तो अगेन फ्रेंड्स, मैं हूँ विंशी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने विंशी स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सरकारी जॉब में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और जल्दी से जल्दी पहुँचे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगता है तो एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोहन ने 6,000 निवेशित कर एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद सोहन भी 1,500 रुपए निवेशित करके व्यवसाय में साझा किया। 3 वर्ष बाद दोनों के लाभ का क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने 6,000 रुपए लगाए, फिर 4 महीने के बाद सोहन ने भी मोहन को ज्वाइन किया 1,500 रुपए लगाकर। तो वो कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जब आपके पास में इस तरह के क्वेश्चन आ जाती हैं तो क्या करना है, उस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, समय गुणा रुपए बटे रुपए गुणा समय। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है, जो मोहन है, मोहन के समय और रुपए को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। मोहन का निकालना है, सोहन का निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों के ही, मोहन के भी और सोहन के भी समय गुणा रुपए लिखेंगे। इस तरह से करके नीचे क्या लिख देंगे, नीचे उसका सोहन का समय गुणा रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करना है, देखो समय देखिए, इसमें मोहन का समय कितना है, 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद मतलब 3 वर्ष कितना हुआ, 12 × 3 = 36, 36 समय कितना हो गया, 36 महीने। रुपए कितने लगाए इसने, मोहन ने 6,000 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, और सोहन ने क्या किया, कितने रुपए लगाए, 1,500 रुपए। सोहन का समय कितना हुआ, क्योंकि सोहन ने मोहन को 4 महीने के बाद ज्वाइन किया है फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि जो आपका 3 वर्ष है तो 3 वर्ष में हमने 4 महीनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 12 × 36, 36 में से 4 गया 32। ठीक है फ्रेंड्स, तो महीने कितने आ गए, 32 महीने आ गए। तो हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे मोहन और सोहन के लाभ का अनुपात निकाल देंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर नीचे क्या है, 0 0, 0 से 0 कट गया, 15 × 4 = 60 हो गया, 4 × 8 = 32 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 9 = 36 हो गया। फ्रेंड्स, इसके आगे ये कट नहीं रहा है, तो क्या होगा, जो लाभ का अनुपात हो गया वो है 9/2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह के क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में तो आप क्या करेंगे, उसको ठीक से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान 9 मीटर का है, एक आदमी इसकी 8 बार परिक्रमा करता है, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी है। तो फ्रेंड्स, वर्गाकार क्या होता है, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी की चारों ही भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी और डी ए, यानी कि चारों ही भुजाएं क्या है, बराबर है, 9 9 मीटर की दे रखी है। तो ये कह रहा है कि वर्गाकार मैदान है, 9 मीटर का है, एक आदमी इसकी 8 बार परिक्रमा करता है। फ्रेंड्स, परिक्रमा का मतलब होता है चक्कर लगाना। ठीक है, तो आदमी क्या कर रहा है कि वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, फिर सी से डी तक गया है, फिर डी से ए तक गया है। इस तरह से आदमी ने क्या करा, एक चक्कर लगाया, फिर 2 चक्कर 3 चक्कर, इस तरह से उसने क्या करा, 8 बार चक्कर लगाए हैं इस वर्ग की आकृति के। तो वो कह रहा है इसके द्वारा चली गई दूरी। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चक्कर में चली गई दूरी निकालेंगे, यानी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए।
ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चक्कर में चली गई कितनी हो रहेगी, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, ये भी 9 हो गया, ये भी 9, ये 9, ये 9, तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो गई फ्रेंड्स, 36 मीटर। तो 8 चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो गई, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 का 8, हाँ से लगा 4, 8 3 24, 24 और 4 28, 288 मीटर। तो आंसर कितना हो गया इसका, बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पास में आते हैं, तो यहाँ पर तो मैं पेन और पेपर यूज कर रही हूँ, आप फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे कि 9 चौक 36 और 36 अट्ठे 288 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई पेन और कागज लेने की भी जरूरत नहीं है, आप मन में ही कैलकुलेट करके फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, केवल इसकी संख्या ही चेंज की गई है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पूरा कर लेंगे और ठीक से पूरा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a इज इक्वल टू 4 तथा b इज इक्वल टू 5 है, तो a ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो हम लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादातर लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं कि a इज इक्वल टू 4 रखेंगे, ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें वैल्यू नहीं रखनी है, वैल्यू नहीं रखनी है, तो क्या करना है फ्रेंड्स, हमें क्या देखना है कि इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादातर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया होता है वो बहुत ही ट्रिकी होता है, तो मतलब कि उसमें ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करना है, हमें ये देखना है कि हमें कौन सा शॉर्ट वे लेना है। तो शॉर्ट वे के लिए आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ अंश में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और जो हर है हर में क्या दे रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सीधे सीधे अंश और हर को आपस में काट लेना है, तो फाइनली यहाँ पर क्या बचा है, a बाय बी, a क्या दे रखा है 4 और b क्या दे रखा है 5, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4/5, तो आंसर है डी। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितनी आसान तरीके से बिना हमने वैल्यू पुट किए हुए क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम शॉर्ट वे लें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि समय की ही वैल्यू है फ्रेंड्स। 10 आदमी 18 दिन काम करके 900 रुपए कमाते हैं, तो कितने आदमी 3 दिन में 360 रुपए कमाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन, वर्क और टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपका आदमी दे दिया, दिन दे दिया, रुपए दे दिया, और आपसे फाइनली क्या है कि आदमी निकालने को बोल रहा है, या किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि दिन निकालने को बोलेगा, या किसी क्वेश्चन में बोलेगा रुपए निकालने को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफी देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आदमी और दिन की तो मल्टीप्लाई करनी है फ्रेंड्स, और क्या करना है, रुपए से उसको भाग दे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ध्यान रखना है कि आदमी और दिन की तो हमें मल्टीप्लाई करनी है, और फिर क्या करना है, उसको दिन रुपए से भाग दे देना है। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले के लिए 10 आदमी हो गए हैं, दिन कितने हो गए, 18 हो गए हैं, रुपए कितने मिलते हैं, 900 रुपए मिलते हैं। दूसरे में क्या पूछा है, दूसरे में पूछा है आदमी, तो आदमी के लिए हम फ्रेंड्स क्या कर लेंगे, इसको x मान लेंगे, दिन कितने हो गए, 3 हो गए, और रुपए कितने हो गए, 360 रुपए हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में फ्रेंड्स इस प्रकार से ही आपको करना है, जीरो से जीरो काट देंगे, एक जीरो आपको यहाँ दिख रहा है वो काट देंगे, 9 चक 36 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर क्या हो गया, 3 छंग 18 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू हो गई है 4। केवल मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको, दोबारा से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ ही गया होगा। तो आदमी और दिन की तो गुणा करनी है, उसको क्या करना है, रुपए से भाग करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको रुपए से भाग करना है। फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन है कि गीता शीला सीता की वर्तमान आयु का योग 72 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:4:3 था, सीता की वर्तमान आयु कितनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह के आयु वाले सवाल आपको बहुत देखने को मिल जाते होंगे, यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको आयु वाला प्रश्न सॉल्व करना बता रही हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि गीता शीला सीता की वर्तमान आयु, करंट आयु का योग कितना है, 72 है,
ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब फ्रेंड्स पहले, ठीक है। तो पहले क्या इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:4:3 था। ये क्या कह रहा है कि सीता की वर्तमान आयु, फ्रेंड्स ये केवल सीता की आयु पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि हमें 4 वर्ष पूर्व गीता, शीला और सीता की आयु का योग निकालना है। तो 4 वर्ष पूर्व कितना आयु का योग होगा, क्योंकि 3 जने हैं तो क्या है, 4 3 12। क्या करेंगे कि जो अभी करंट आयु है, इस करंट आयु में से 12 साल, क्योंकि 4 साल पहले की बात चल रही है, ठीक है, 4 साल पहले का अनुपात दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 4 साल पहले तीनों की आयु का योग निकाल लेंगे। तो 72 में से 12 गया 60 वर्ष, यानी कि तीनों ही महिलाओं की आयु का योग कितना था, 60 वर्ष था। तो इसमें दे रखा है कि अनुपात क्या है इन तीनों की, 4 वर्ष पहले तीनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4:3, यानी कि 5+4+3, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारा सीता की आयु का अनुपात है वो है 3, और तीनों ही महिलाओं की आयु का अनुपात कितना निकला है जोड़ करके, 12। तो 12 हम इस तरह से रख देंगे, और वहां की उम्र कितनी थी, 60। तीनों की आयु का योग कितना था 4 वर्ष पूर्व, 60। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम रख लेंगे, सीता की आयु का अनुपात रख लिया फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में क्या करा, तीनों ही अनुपातों का ऐड किया, उसको इस तरह से रख लिया नीचे, और उसकी आयु का योग यहाँ पर रख लिया। तो 12 × 5 = 60, 5 × 3 = 15 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि 4 वर्ष पहले जो सीता की आयु थी वो कितनी थी, 15 वर्ष। सीता की आयु कितनी निकाल दी, 15 वर्ष। तो करंट में इसकी आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में कितनी आयु हो जाएगी, 15 में हम क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो कितना आ गया, 19 वर्ष। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि सीता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 19 वर्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर, थैंक यू सो मच।